Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next video in our series Social Tea, जिसमें हम आपकी सोशियोलॉजी की डिक्शनरी और वीकेंड से सोशियोलॉजी के टर्मिनोलॉजी और कुछ कंसेप्ट जो है वो कवर कर रहे हैं. आई होप ये सीरीज आप लोगों की हेल्प कर रही है. आप किसी भी लेवल पे सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नेट के लिए, पीएचडी के लिए, गेट के लिए, ये सब पूरी सीरीज में जितने भी कंसेप्ट रहने वाले हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. एंड ट्रस्ट मी, आप पूरी बैक टू बैक, अभी तो स्टार्टिंग है, आप बैक टू बैक जब इस प्लेलिस्ट को पूरा देखेंगे देन यू विल बी एबल टू नो कि हम सोशियोलॉजी में फ्रॉम ए टू जेड किस तरीके से चीजें कवर कर लेंगे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट वर्ड सिस्टम थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी. तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय इमैनुअल वॉलस्टीन. अब यहाँ पे ये थ्योरी इन्होंने दी तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, 15th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने ऑब्जर्व करा कि इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं. कुछ जो कंट्रीज हैं वो रिच हो रही हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी है, वो डेवलपमेंट देख रही है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, लोगों को काम मिल रहा है, लोग अर्न कर रहे हैं, कंट्री ग्रो कर रही है. तो यहाँ पे यही इन्होंने बात करी कि कुछ कंट्रीज जो है, कंट्रीज का डिविजन हो जाता है कुछ पर्टिकुलर पार्ट में, जिसमें कुछ कंट्रीज बेनिफिट ले जाती है, वहीं कुछ कंट्री को एक्सप्लॉइट किया जाता है. सो कार्ल मार्क्स ने भी कहीं ना कहीं ये बात की थी, बट हाँ उन्होंने नाम लिया था कि कैपिटलिस्ट लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं. प्रोलेटरेट का कंसेप्ट उन्होंने बताया था कि वे एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. तो यहाँ पे ये कंट्रीज को लेकर बात की गई है कि कंट्रीज तीन पार्ट में डिवाइडेड है, कोर, सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल. क्वेश्चन कैसे आता है ये पूछ सकता है कि कितने पार्ट में उन्होंने कंट्रीज को डिवाइड करा, या कौन सा पार्ट, तीन ही ऑप्शन दे देगा, एक कुछ और अलग नाम दे देगा, सिटी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी. तो अगर आपको ये पता है देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. कोर कंट्रीज की बात करते हैं तो कोर कंट्रीज में वो कंट्री जो डेवलप है, डेवलप है मतलब वहां पे इंडस्ट्री सेटअप है, डन, कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं है काम करने का, अच्छा अर्न कर रही है, अच्छी इनकम आ रही है, और अच्छी इनकम आ रही है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा. सो दीज आर कोर कंट्रीज में जाती है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज. तो दीज आर डोमिनेंट मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वो सब किस में जाती है, इसमें जाती है. एंड ऑब्वियसली बात है जब ये सब कुछ चीजें हैं तो इस टाइप की कंट्री में जो लोग रह रहे होंगे दे हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट. देन वी हैव सेमी पेरिफेरल. सेमी पेरिफेरल मतलब प्रॉपर पेरिफेरल नहीं है, मतलब इस टाइप की कंट्री में क्या होता है, फ्यू पीपल आर रिच और बाकी जो जितनी भी पूरी जो पॉपुलेशन होती है वो पुअर होती है. मतलब एक रिच और पुअर के बीच में काफी गैप होता है, कोई मिडिल का बीच का वे नहीं दिख रहा है यहाँ पे. कुछ लोग बहुत रिच है, कुछ लोग बिल्कुल पुअर है. तो ये चीज होती है यहाँ पे, रिच एंड पुअर के बीच का गैप प्रॉपर आपको देखने को मिलता है. प्लस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है दैट इज मीडियम, बहुत हाई फाई भी नहीं है लेकिन हाँ उतना लो भी नहीं है. Then we have third form of countries. इस countries में जाती है peripheral countries, जो बाकी countries पे dependent, कहीं dependent है कहीं ना कहीं. These peripheral are also known as dependent. ये किसी ना किसी पे क्या होती है, dependent भी होती है अपने resources के लिए, ठीक है, अपने resources के लिए, technology के लिए, they are dependent on some other countries. यहाँ पे productivity कम है, ठीक है, per capita income जो लोग प्रति व्यक्ति आय लोगों की है that is also less in this type of country. एंड क्योंकि इतना काम नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो लोगों का जो रहन सहन का तरीका होगा वो भी कम होगा. अब हो सकता है आपसे किसी भी एक टाइप ऑफ कंट्रीज के फीचर्स बता के उस कंट्री का नाम पूछ ले कि ये किसमें जाती है, ये पेरिफेरल में जाती है, सेमी पेरिफेरल में जाती है, या कोर में जाती है. ये भी पता होना जरूरी है किसने डेवलप करा, ठीक है, प्लस कितने टाइप्स हैं, इनके नाम और हर टाइप का फीचर पता होना जरूरी है. इससे ज्यादा डिटेल अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर पूछेगा तो इतनी ही चीज आपसे पूछेगा. सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. और इस तरीके की इफ यू वांट मोर सच वीडियोस देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, प्लस शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल एज यू कैन, सो दैट ये सीरीज कंटिन्यूटी में चलती रहे और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स मैं आप लोगों के बीच में शेयर करती रहूं. तो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग.